शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है। इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। अमिताभ बच्चन का ये दमदार डायलॉग सुनने के लिए अफगानिस्तान के सिनेमा घरों में कोहराम मच जाता था, क्योंकि वहाँ की आम पब्लिक ही नहीं बल्कि उस वक्त के अफगान प्रेसिडेंट नजीबुल्ला भी अमिताभ की अदाकारी के दीवाने थे। यही वजह थी कि फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर जब पहली बार अपने पांव टिकाए तो किसी होटल की बजाय उन्हें एक आलीशान मकान में शाही तरीके से ठहराया गया, जिसके मेहमान खाने में उन्हें चलकर नहीं जाने दिया गया बल्कि कबीले के सरदार ने उन्हें गोद में उठाकर वहां तक पहुंचाया, क्योंकि उनके रिवाज के मुताबिक मेहमान के पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। सदियों से यही होता आया है, यही होगा, खुदा गवाह है। नमस्कार, गोल्डन क्लासिक्स के आज के एपिसोड में हमारे फिल्म एक्सपर्ट राजीव विजयकर जी और मैं आरजे रुचि आपके लिए लेकर आए हैं 1992 की ब्लॉकबस्टर हिट खुदा गवाह, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान के काबुल और मजार ए शरीफ की लोकेशंस पर हुई थी। यूनिट की सुरक्षा के लिए उनके आगे पीछे आर्मी के 5-5 टैंक्स का काफिला चलता था और हवाई सर्वेलेंस के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया था, क्योंकि वहां जंग छिड़ी हुई थी। उन दिनों अफगानिस्तान की हालत इतनी नाजुक थी कि वहां किसी फिल्म की शूटिंग कर पाना खतरे से खाली नहीं था, पर अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी का ऐसा आलम था कि ऑपोजिशन के लीडर्स भी गुलाब के फूल लेकर अमिताभ से मिलने आते थे। बेटा और दीवाना के बाद खुदा गवाह 1992 की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म डिक्लेयर हुई थी, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में टोटल 9 नॉमिनेशंस मिले थे और जिनमें से वो 3 अवार्ड्स जीतने में कामयाब रही थी। खुदा गवाह को प्रोड्यूस किया था मनोज देसाई और नजीर अहमद ने, पर ऐसा भी कहते हैं कि ये अमिताभ बच्चन की ही होम प्रोडक्शन थी। मनोज देसाई, जो मुंबई के फेमस मराठा मंदिर और G7 थिएटर्स को मैनेज करते हैं, यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अमिताभ बच्चन फैंस। खुदा गवाह तीसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी साथ नजर आए थे। इनकलाब और आखिरी रास्ता के बाद श्रीदेवी ने तय कर लिया था कि वो अमिताभ बच्चन के साथ किसी भी फिल्म में सिर्फ एक ग्लैमर डॉल बनकर नहीं रहेंगी, और इनिशियली उन्होंने खुदा गवाह के लिए ना कह दी थी, जबकि अमित जी का मानना था कि खुदा गवाह में बेनजीर का किरदार सिर्फ श्रीदेवी ही निभा सकती थी। उन्हीं दिनों रूप की रानी चोरों का राजा के लिए शूट किए गए एक गाने के वीडियो में श्रीदेवी की स्टनिंग परफॉर्मेंस से अमित जी इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने गुलाब के फूलों से लदा हुआ एक ट्रक श्रीदेवी के शूटिंग सेट पर भेज दिया। उनके इस अनोखे उपहार को श्रीदेवी नजरअंदाज न कर सकी। साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी उन्हें यकीन दिलाया कि एक बाउंड स्क्रिप्ट उन्हें पढ़ने के लिए दी जाएगी, उस पर अमित जी की सिग्नेचर होगी और उसका एक भी सीन कट नहीं किया जाएगा। उस बाउंड स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद श्रीदेवी ने खुदा गवाह के लिए हाँ कर दी, लेकिन इस शर्त पर कि फिल्म में माँ बेटी के दोनों किरदार वो खुद निभाएंगी, और ऐसा पहली बार हुआ था जब अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म में उनकी हीरोइन ने शर्त रख कर काम किया हो और डबल रोल भी प्ले किया हो। फिल्म में डैनी डेंजोंगपा ने खुदा बख्श का अहम किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। हम तुम्हारे तलवार का इतना टुकड़ा कर देगा कि बटोरते बटोरते तुम्हारी उम्र कट जाएगी। इससे पहले फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए वो अफगानिस्तान की लोकेशंस पर शूट कर चुके थे, वहाँ की बोली और कल्चर से भी वाकिफ हो चुके थे। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन ने इंस्पेक्टर राजा मिर्जा का रोल प्ले किया, जबकि शिल्पा शिरोडकर ने इंस्पेक्टर हीना का। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में थे किरण कुमार, भरत कपूर,
अंजना मुमताज, सुरेंद्र पाल, बीना, शम्मी और विक्रम गोखले। खुदा गवाह को डायरेक्ट किया था मुकुल आनंद ने, जो पहले अग्निपथ और हम में अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट कर चुके थे। अग्निपथ के लिए अमिताभ ने बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया था। खुदा गवाह के लिए मुकुल आनंद को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अनफॉर्चुनेटली मुकुल आनंद डाइड एट द यंग एज ऑफ 45 इन 1997। खुदा गवाह के राइटर संतोष सरोज का दावा है कि वो अपनी हर कहानी अमिताभ बच्चन को ही माइंड में रखकर लिखते थे, फिर चाहे उसमें किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया जाए। बतौर राइटर वो अमिताभ के साथ कालिया, शहंशाह, अग्निपथ, आज का अर्जुन, खुदा गवाह और मेजर साहब जैसी 5 फिल्मों से जुड़े रहे। वो बादशाह खान के कैरेक्टर को अमिताभ की ही फिल्म जंजीर के शेर खान के किरदार से इंस्पायर्ड बताते हैं, जिसे प्राण ने बखूबी निभाया था। अब नजर डालते हैं खुदा गवाह की कहानी पर। फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के फेवरेट स्पोर्ट बुजकशी के खेल से, जिसमें बादशाह खान अपनी जीती हुई बाजी सिर्फ इसलिए हार जाता है क्योंकि उसका अपने कंपेटिटर बेनजीर पर दिल आ जाता है और उससे निकाह करने का फैसला करता है। हम तुमसे निकाह करेगा। ये नामुमकिन है बादशाह खान। बादशाह नामुमकिन को मुमकिन करके रहेगा। इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान की खाक छाननी पड़ेगी। छानेगा? मेरे अब्बा के कातिल हबीबुल्लाह का सर लाना पड़ेगा। लाएगा। इस इम्तिहान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो तो पहले ही कुर्बान हो चुकी है तुम पर बेनजीर। बादशाह खान, अगर ऐसा हुआ तो बेनजीर तुम्हारी हो जाएगी। बादशाह खान हिंदुस्तान जाकर हबीबुल्लाह को तो मार देता है, पर जेलर रणवीर सिंह उसका रास्ता रोक लेता है। हमारे मुल्क के कानून की नजर में तुमने जुर्म किया है। हम वापस जाएगा तो दो कबीलों में सुलह होगा, अमन होगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगा। हम बेनजीर से निकाह कर सकेगा। देखो राजपूत खान, हम तुमसे वादा करते हैं, अभी हमको जाने दो। 30 दिन के अंदर हम खुद तुम्हारे पास आएगा। तुम अपना नफास पूरा कर लेना, ये पठान का जबान है। अपने वादे के मुताबिक निकाह के बाद बादशाह खान हिंदुस्तान वापस आ जाता है, जहां उसे 5 साल की सजा हो जाती है। इसी दौरान हबीबुल्लाह का भाई पाशा अपने भाई की मौत का बदला लेने पर उतर आता है। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि जेलर रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर अजीज मिर्जा का मर्डर हो जाता है और उनके कत्ल के इल्जाम में बादशाह को 15 साल की सजा हो जाती है। दूसरी तरफ बेनजीर अपने शौहर का पागलों की तरह इंतजार करती है। क्या हिंदुस्तान के पास दिल नहीं है? वो धड़कन नहीं है जिसे मोहब्बत कहते हैं? मैंने सुना था मोहब्बत का समंदर है वो, तो ये क्यों नहीं सोचा? दो दीवाने इतनी दूरी एक दूसरे के बगैर कैसे जिएंगे? अल्लाह, हजारों रातें हजारों दिन मेरे बादशाह के बगैर। ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? और इसी दौरान वो अपनी बेटी मेहंदी को जन्म देती है, जिसकी परवरिश बादशाह खान का दोस्त खुदा बख्श करता है। तुम्हारी खुशी ही खुदा बख्श की जिंदगी का मकसद है बेटी। मेहंदी को जब बादशाह खान के बारे में पता चलता है, मम्मी, 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 सुना तुमने, अब्बा जिंदा है, हिंदुस्तान में, हम उनको लेके आएगा मम्मी। वो अपने पिता की तलाश में हिंदुस्तान आती है, जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर राजा मिर्जा और इंस्पेक्टर हीना से होती है। जब सजा पूरी करके बादशाह खान जेल से बाहर आता है, तो क्या उसे उसकी दुनिया वापस मिल जाती है? अब्बो, तुमने जो कुर्बानियां दी हैं, ऐसे कुर्बानी फरिश्ते भी नहीं दे सकते। मुझे शर्मिंदगी नहीं, नाज है तुम पर, नाज है। ओ मेरा बच्ची, मेरा बच्ची, मेरा बच्ची। क्या पाशा उन सबको अमन शांति से जीने देता है? चालाकी तो बिल्कुल नहीं करना, वरना अखरोट और अखरोटी की जगह सिर्फ उनके छिलके मिलेंगे, छिलके। इन सवालों का जवाब फिल्म के फास्ट पेस्ड क्लाइमैक्स में बड़ी खूबसूरती से बुना गया है।
अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया के लोकेशंस पर शूट हुई खुदा गवाह को सिनेमेटोग्राफर डब्ल्यू बी राव ने बड़ी ही खूबसूरती से सेल्यूलॉइड पर कैप्चर किया था। कई सीक्वेंसेस के लिए उन्होंने एक्सट्रीम वाइड एंगल लेंसेज के साथ साथ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि तब ड्रोन कैमराज की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जिसमें सराउंड साउंड का इस्तेमाल हुआ था। भगत सिंह राठौर और कुलदीप सूद वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड। खुदा गवाह जिस लार्जर देन लाइफ स्केल पर बनी थी उसमें चार चांद लगाने का काम किया था उसके लाजवाब गानों ने, जिन्हें कंपोज करने वाले संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जिसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। गीत संगीतकार की इस बेमिसाल जोड़ी ने खुदा गवाह के लिए उसके कैरेक्टर्स और कहानी के बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर जो गाने तैयार किए उन्हें सुनकर अफगान कल्चर ऑटोमेटिकली दिल दिमाग में उभर आता है, जिसकी खूबसूरत मिसाल है ये गीत। वॉचिंग श्रीदेवी एंड अमिताभ बच्चन इन दिस सॉन्ग इज लाइक वॉचिंग अ क्लैश ऑफ द टाइटन्स, जो रोमांटिक तेवर के साथ एक दूसरे को चैलेंज करते हुए जब आमने सामने आ खड़े होते हैं तो उनके हर एक अंदाज में जो शरारे बिखरते नजर आते हैं वैसे ही शरारों की बरसात दिखाई देती है इस कातिलाना सॉन्ग में। कंपोजर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने न सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड, उसके कैरेक्टर्स और सिचुएशन के मुताबिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, बल्कि गाने के एक्सेंट को भी उसी अंदाज में रिकॉर्ड किया है जैसे कि मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति दोनों की लाइंस में है को ए और नहीं को नहीं प्रोनाउंस करवाया है। बादशाह खान का अपनी महबूबा की तरफ देखने का अंदाज ही जैसे सब कुछ बयां कर देने के लिए काफी है, और वैसी ही झलक दिखाई देती है बेनजीर की दिलकश निगाहों में, जिसमें अप्सराओं जैसा नूर है, जिसके दिल में मोहब्बत का सुरूर है लेकिन चेहरे पर अपनी खूबसूरती का गुरूर है।
कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी उसी मूड को बरकरार रखते हुए अपनी लीड पैर से वैसे ही स्टेप्स करवाए हैं। और आनंद बख्शी के लिरिक्स के बारे में कहना ही क्या, अपने गीतों में उनके जैसा काफिया मिलाने वाला गीतकार आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। गाने के प्रिल्यूड म्यूजिक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने थालियों के साथ साथ रबाब को यूज किया है और ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स अफगान कल्चर की पहचान हैं। प्यारेलाल जी ने कुछ अफगान म्यूजिशियंस को अपने यहाँ इनवाइट किया था। उन्होंने अपनी थालियों पर जो रिदम बजाया था, प्यारेलाल जी ने मार्केट से वैसी ही थालियाँ खरीद कर उन्हें रिकॉर्डिंग में प्ले किया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी अपने ग्रैंड ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन खुदा गवाह के साउंडट्रैक को कहानी और कैरेक्टर्स से जोड़ने के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा सूफियाना अंदाज इस्तेमाल करने की कोशिश की है और उसी कोशिश की झलक फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग में महसूस की जा सकती है। निकाह कबूल है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस रोमांटिक डुएट में बादशाह खान और बेनजीर का निकाह, उनकी सुहागरात और उनकी जिंदगी के कुछ बेहतरीन पलों को समेटा गया है। इश्क के बगैर जिंदगी गुना
गाने की कुछ आखिरी बीट्स को शूट करने में डायरेक्टर मुकुल आनंद की लार्जर देन लाइफ स्टाइल साफ साफ नजर आती है। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान, मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध का दरिया बहा दिया, मोहब्बत जिसके लिए मजनू ने सहराओं की खाक छानी, उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान सरजमीन ने हिंदुस्तान से मोहब्बत का खैर मांगने आया है। अपनी महबूबा से किया हुआ वादा पूरा करने का इरादा लेकर बादशाह खान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अपना पहला कदम रखता है तो उसे सलाम करते हुए अपना परिचय देता है और वहां आने का अपना मकसद जाहिर करता है। जीत हमेशा मोहब्बत का हुआ है, सदियों से यही होता आया है, यही होगा, खुदा गवाह है। पठानी अंदाज में डिलीवर किए गए अमिताभ के इस मोनोलॉग को फिल्म के साउंडट्रैक में शामिल किया गया है, जिसकी बिगनिंग में लता मंगेशकर जी का एक छोटा सा आलाप है, पर साउंडट्रैक में उनका नाम मेंशन नहीं है। खुदा गवाह के साउंडट्रैक में कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज का ये तीसरा डुएट सॉन्ग है, जो बादशाह खान और बेनजीर की जुदाई के दर्द से सराबोर है। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओ रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओ रब्बा बादशाह खान हिंदुस्तान की एक जेल में कैद है तो बेनजीर उससे सैकड़ों मील दूर अपने वतन अफगानिस्तान में है। इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के दिलों के दर्द को अपनी धड़कनों में महसूस करते दिखाई देते हैं। अमिताभ के सभी गाने मोहम्मद अजीज ने ही गाए हैं। बादशाह खान के रफ एंड टफ कैरेक्टर के मुताबिक उन्हें दो बातों का खास ख्याल रखना था, आवाज में भारीपन और पठानी एक्सेंट। साजे दिल टूट गया, नगमा रूठ गया, साजे दिल टूट गया, नगमा रूठ गया, तार से तार मिला दे, ओए रब्बा तार से तार मिला दे, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस तरह की कॉम्पोजिशंस में महारत हासिल थी। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा।
गाने का मेन अट्रैक्शन है उसकी ब्यूटीफुल लोकेशन और बेटी के कैरेक्टर में ताजगी के साथ निखरा हुआ श्रीदेवी का सौंदर्य, जो अपनी परफॉर्मेंस में छोटी छोटी चीजों का भी खास ख्याल रखती थी। जैसे कि गाने के बिगनिंग में ही नागार्जुन उन्हें कंगन, हार और उनके कान में झुमका पहनाते हैं, जिसकी चुभन के एहसास को उन्होंने जिस नेचुरल अंदाज में रिएक्ट किया है वो देखने जैसा है। मेरे वतन में मैंने सुनी है, मेरे वतन में मैंने सुनी है, तेरे वतन की कहानियाँ तुझ में है वो सब निशानियाँ, ओ दिल भर जानियाँ। इस आशिकी में मैंने सुनी है, आशिकी में मैंने सुनी है लोगों से जितनी कहानियाँ, तुझ में है वो सब निशानियाँ। राजा मिर्जा के रोल के लिए पहले संजय दत्त को कास्ट किया गया था, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में उस रोल के लिए जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे और अजय देवगन को कंसिडर किया गया, पर श्रीदेवी के रेकमेंडेशन पर नागार्जुन को फाइनल कर लिया गया। वाडकर और अलका याग्निक का गाया हुआ ये रोमांटिक डुएट एक नॉर्मल रूटीन सॉन्ग बनकर रह जाता अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसे मसालेदार बनाने की कोशिश ना करते। एक दूसरे पे मरने को रब ने। सुरेश वाडकर के मुताबिक गाने की रिकॉर्डिंग के आखिरी पलों तक लक्ष्मीकांत उसमें कुछ ना कुछ बारीकियां ऐड करते रहे थे। सब सब निशानियां, वो दिल भर जानियां, वो दिल भर जानियां। लता मंगेशकर हमेशा से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फेवरेट सिंगर हुआ करती थी और खुदा गवाह के टाइटल सॉन्ग के इस सोलो वर्जन के लिए उन्होंने लता जी को ही चुना, क्योंकि इसमें इमोशंस के साथ साथ शिकायत का भी एक खूबसूरत अंदाज है और इसके लिए लता जी से बेहतर कौन हो सकता था। खुदा गवाह।
भावनाओं को शिकायत के ही तेवर में लता जी ने जिस खूबसूरती के साथ पेश किया है, श्रीदेवी ने उसी अदायगी के साथ उसे परफॉर्म किया है। डांस स्टेप्स में शिल्पा शिरोडकर ने भी उनका साथ दिया है, पर सच्चाई तो यही है कि दर्शकों की निगाह श्रीदेवी से बिल्कुल भी नहीं हट पाती। सात मिनट से भी ज्यादा लंबे इस गाने को सरोज खान ने उदयपुर की लोकेशन पर सिर्फ एक दिन में ही शूट किया था, क्योंकि अगले दिन यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा की शूटिंग के लिए उन्हें जयपुर जाना था। लेकिन श्रीदेवी के साथ उनकी ट्यूनिंग इतनी गहरी थी कि उनके स्टेप्स को परफॉर्म कर पाना श्रीदेवी के लिए जरा भी मुश्किल नहीं होता था। क्लाइमैक्स से पहले एक कोरस सॉन्ग है जिसकी बिगनिंग होती है ओए लोशे शब्दों से। जाए तो ये उसी गाने का सेकंड पार्ट है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, यानी कि तू ना जा मेरे बादशाह। अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज का ये वर्जन उस वक्त फेड इन होता है जब बरसों की जुदाई के बाद बेनजीर और बादशाह खान आमने सामने होते हैं। इमोशंस को इन्हांस करने के लिए मुकुल आनंद ने इस गीत के जरिए दर्शकों को बादशाह खान और बेनजीर के जज्बात से जोड़ने की कामयाब कोशिश की है। फाइनली हम आ पहुंचे हैं उस मकाम पर, उस गाने के साथ जिसके लिए आप कितने बेताब नजर आ रहे थे और जिसे बिना किसी लाग लपेट के इस एल्बम के बेस्ट सॉन्ग का रुतबा हासिल है।
मोहम्मद अजीज के साथ साथ अलका याग्निक भी इस डुएट सॉन्ग को अपने करियर के कुछ बेस्ट सॉन्ग्स में से एक मानती है। बस्टर सॉन्ग को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया था। इसमें ना तो रेगुलर सॉन्ग्स की तरह मुखड़े अंतरे का पैटर्न है और अफगान म्यूजिक कल्चर को फॉलो करते हुए गायकी में ना ही किसी तरह की हरकतों का इस्तेमाल हुआ है। पूरा गाना स्ट्रेट नोट्स पर बेस्ड है, जिसके चलते इस गाने की सादगी ही इसकी USP बन गयी। वायलिनिस्ट अमर हल्दीपुर ने बताया था कि इस गाने में बजने वाले वायलिन को लेकर प्यारेलाल जी कितने ओवर कॉन्शियस थे। वो चाहते थे कि उनके वायलिन से अरेबिया, लेबनन या फिर इजिप्त नहीं, अफगानिस्तान की पाश्तो फीलिंग्स झलकनी चाहिए। धुन और अफगानिस्तान की रगेड ब्यूटी के अलावा इस गाने को चार चांद लगाने का काम किया है श्रीदेवी के चाम ने। वो अपने कैरेक्टर बेनजीर से इतनी घुल मिल गई हैं कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो कैमरा के सामने परफॉर्म कर रही हैं। गाने के विजुअल्स में अफगानिस्तान की खूबसूरत लोकेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए वाइड एंगल का काफी इस्तेमाल हुआ है, जिसे देखकर जिस देश में गंगा बहती है के सुपर हिट सॉन्ग ओ बसंती पवन पागल की याद ताज़ा हो जाती है। तो अब आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलने के वादे के साथ खुदा हाफिज़।